हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस। जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक्स के ट्यूटोरियल सीरीज को। आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग अपने आर्डुइनो बोर्ड के साथ एक्सटर्नल LED लाइट को कनेक्ट करेंगे एज ए आउटपुट और साथ ही कनेक्ट करेंगे एक पुश बटन एज ए इनपुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के प्रोजेक्ट में हम लोग आर्डुइनो में इनपुट और आउटपुट दोनों ही वर्क करने वाले हैं और इस तरह का ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा। और ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए। तो आप लोग को बस इतना करना है कि वीडियो को फिनिश होने तक देखते रहना है और अगर समझ में ना आए तो फिर दोबारा भी देख लेना है। तो लेट्स टेक अ टूर ऑफ IT वर्ल्ड। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए एक आर्डुइनो यूनो बोर्ड, एक डेटा केबल, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, प्रोग्रामिंग करने के लिए आर्डुइनो का IDE, साथ ही 220 ओम का 2 रजिस्टर, कुछ मेल टू मेल वायर्स, एक LED लाइट, एक पुश बटन और एक ब्रेडबोर्ड। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम लोग को सबसे पहले हार्डवेयर को डिजाइन कर लेना है, उसके बाद प्रोग्रामिंग करना है। पर हार्डवेयर को डिजाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था, शायद आपको याद हो, कि एक रॉन्ग कनेक्शन आपके पूरे सर्किट के साथ साथ आर्डुइनो यूनो बोर्ड में भी शॉर्ट सर्किट कर सकता है, इसलिए डायग्राम को अच्छी तरह से समझना है। हमारे इस डायग्राम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हम लोग का इनपुट और आउटपुट पार्ट। तो हम लोग एक एक करके पहले इनपुट और आउटपुट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कम्प्लीटली इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट डायग्राम है। आउटपुट डायग्राम आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत ही ईजी है। हम लोग को करना ये है कि आर्डुइनो का जो पिन नंबर 13 है, हम लोग को इस वायर को आर्डुइनो के पिन नंबर 13 के साथ अटैच कर देना है और उसके बाद उस वायर को हम लोग को एक LED के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो पिन नंबर 13 जब वो हाई होगा तो हम लोग को मिलेगा 5 वोल्ट, बट जो ये LED है ये 5 वोल्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आपका LED कुछ देर चलने के बाद ख़राब हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसके करंट को और वोल्टेज को कम करने के लिए, करंट को कम करना हम लोग का टारगेट एक्चुअली नहीं है, लेकिन जब हम लोग रजिस्टर लगाते हैं तो वोल्ट के साथ साथ कुछ करंट भी कम हो जाता है। तो हम लोग वोल्ट को वैसे के लिए कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर 220 ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई है वो कम होकर लगभग 3.5 और 3.7 वोल्ट तक आ जाएगा और इससे हम लोग को LED को उतना ही पावर मिलेगा जितना कि उसका रिक्वायरमेंट है या जिससे वो सही से वर्क कर सकता है। और फिर हम लोग को इस वायर को आर्डुइनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। हम लोग जानते हैं कि जब 5 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा और उससे कनेक्ट होते हुए यहाँ पर आपका रजिस्टर में जाएगा, तो यहाँ से 3.5 वोल्ट के आसपास हम लोग को करंट मिलेगा और जब ये सर्किट LED से होते हुए ग्राउंड तक जाएगा, जो कि एक्चुअली में आर्डुइनो में 0 वोल्ट होता है, जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और LED लाइट ऑन हो जाएगा। ये हम लोग का आउटपुट फिगर है। आउटपुट पार्ट को करने के लिए हम लोग को ये डायग्राम बनाना है, मतलब इसको हार्डवेयर में बनाना है, ठीक है। डायग्राम तो मैंने बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, अब हम लोग समझते हैं इनपुट डायग्राम को। तो ये है हम लोग का इनपुट डायग्राम। इनपुट डायग्राम में हम लोग को ये करना है कि सबसे पहले हम लोग के यहाँ पर एक पुश बटन चाहिए, और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का प्रोजेक्ट में ये करना है कि जैसे हम लोग इस पुश बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक सर्किट कम्प्लीट होगा और जैसे ही सर्किट कम्प्लीट हो जाता है तो जो आउटपुट डायग्राम में LED लगा हुआ है उसे ग्लो करना है। तो इस पुश बटन के साथ हम लोग को आर्डुइनो बोर्ड से 5 वोल्ट का एक कनेक्शन लेना है। इस तरह से कनेक्शन आएगा और यहाँ पर आपका पुश बटन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसका जो वायर है ये वायर हम लोग को यहाँ से ले जाकर इसमें हम लोग को आर्डुइनो बोर्ड का पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करना है, जो कि आर्डुइनो बोर्ड में पिन नंबर 2 एज ए इनपुट बिहेव करेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे पिन नंबर 2 में, हम लोग को यहाँ से 5 वोल्ट मिलेगा जो कि इस स्विच के थ्रू जाएगा और इससे सर्किट जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा तो पिन नंबर 2 में एक सिग्नल मिलेगा और हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे कि जैसे ही पिन नंबर 2 हाई हो जाए वैसे ही हम लोग का जो LED लाइट है वो भी हाई हो जाए, जो कि पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने इस पार्ट को क्यों बनाया, तो इसको हम लोग जब कंप्लीट सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे उस पार्ट में इसको समझते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं हम लोग का कंप्लीट डायग्राम में। तो ये है हम लोग का एक कंप्लीट डायग्राम जिसमें मैंने एक आर्डुइनो बोर्ड को लेके रखा है और साथ में यहाँ पर हम लोग का आउटपुट डायग्राम है, यहाँ पर इनपुट डायग्राम है
और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसे मैंने बताया था कि उसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो आउटपुट डायग्राम आप लोग ऑलरेडी समझ में आ गया है, इनपुट डायग्राम समझ में आ गया है, अब मुझे यहाँ पर बस कनेक्टिविटी को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वायर 5 वोल्ट यहाँ से ले आते हैं। तो 5 वोल्ट आप यहाँ पर देखिए कहाँ चाहिए, मुझे इस पुश बटन के लिए एक 5 वोल्ट चाहिए और मुझे ग्राउंड भी लाना है। तो ग्राउंड कहाँ कहाँ देना है, सबसे पहले तो फिलहाल मुझे इस जगह पर देना है। तो ग्राउंड के लिए हम लोग ब्लैक कलर को प्रेफर करेंगे और ये जो ग्राउंड है आप इन दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको मैं ले आता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट के इस ग्राउंड कनेक्शन के साथ। तो इस तरह से हम लोग को इसे ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करना है। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये जो वायर है जो कि हम लोग का इनपुट से निकल रहा है ये पिन नंबर 2 में जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिन नंबर 2 है, यहाँ कनेक्ट करेंगे। हम लोगों ने क्या किया है कि इन दोनों पार्ट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। जितने भी आउटपुट का वर्क होगा वो हम लोग इस सेक्शन में करेंगे और इनपुट का वर्क इस सेक्शन में करेंगे। सवाल है कि 0 और 1 में क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 और 1 कम्युनिकेशन के लिए होता है। बटन जो है वो एक सेंसर की तरह काम करता है, इसलिए हम लोग बटन का या किसी भी तरह का इनपुट जो पार्ट होगा वो हम लोग 2 से ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने इस बटन का कनेक्शन को पिन नंबर 2 के साथ किया है। अब नेक्स्ट वर्क हम लोग को क्या करना है, तो नेक्स्ट वर्क हम लोग को पिन नंबर 13 से एक वायर निकालना है और उसको हम लोग को आउटपुट फिगर के लिए देना है। तो मैं यहाँ से एक वायर निकालता हूँ और इसे कनेक्ट कर देता हूँ पिन नंबर 13 के साथ। आप लोग यहाँ जानते हैं कि पिन नंबर 13 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक LED लाइट यहाँ पर रहता है। तो इस LED के साथ जो कुछ भी होगा तो सेम इफेक्ट आपको यहाँ भी दिखेगा, मतलब जब ये लाइट ऑन होगा तो ये भी लाइट ऑन होगा, क्योंकि दोनों ही लाइट पिन नंबर 13 के साथ ही कनेक्टेड है। अब ये हम लोग का डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का एक डायग्राम बचा हुआ, ये वाला पार्ट एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको हम लोग को अच्छी तरह से समझना है। होता यह है कि जब यहाँ से 5 वोल्ट इस बटन में आता है और ये पिन नंबर 2 में जाता है तो यहाँ से कुछ नॉइस प्रोड्यूस होता है। नॉइस मतलब ये जरूरी नहीं कि कुछ साउंड नॉइस है, ये नॉइस अलग अलग तरह से होता है, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का नॉइस हो। और जिससे क्या होता है कि आपका यहाँ से इनपुट आए या ना आए तो बाय डिफॉल्ट कुछ वहाँ से इनपुट सिग्नल ये लेते रहता है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एरर है। तो ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन एक तरह से फिल्टर का काम करता है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा नॉइस आता है वो उस नॉइस को वो कैंसिल कर देता है और हम लोग का बटन प्रॉपरली वर्क करता है। आप लोग जब हार्डवेयर में इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद एक बार इस बिना फिल्टर का भी यूज करके देख लीजिएगा और फिर फिल्टर लगा के देखिएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होता है। तो इस नॉइस फिल्टर को करने के लिए हम लोगों ने एक 220 ओम का रजिस्टर लगाए हैं और सेम रजिस्टर हम लोगों ने यहाँ लगाया है। जरूरी नहीं है कि हम लोग दोनों जगह सेम रजिस्टर लगाए, वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। हो सकता है यहाँ पर हम अगर 5 वोल्ट का LED लगाते हो तो हम लोग यहाँ पर रजिस्टर लगाने की जरूरत ना पड़े, बट उस केस में भी हम लोग को यहाँ पर रजिस्टर लगाना ही पड़ेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका और इसका इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। अब इस रजिस्टर को बटन के साथ लगाने के बाद हम लोग को इसका जो वायर है इस वायर को ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देना है, मतलब ये जो वायर आ रहा है इस वायर से हम लोग को यहाँ एक कनेक्शन करना है। तो ये अब मेरा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया है। तो ये सर्किट ब्रेडबोर्ड में बनाने के बाद हम लोग जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह से वर्क करना शुरू करेगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके प्रोग्रामिंग को। ओके, तो प्रोग्रामिंग को करने के लिए सबसे पहले हम लोग आर्डिनो का IDE को ओपन कर लेते हैं और हम लोग पहले 2 वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल इनपुट के लिए और एक वेरिएबल आउटपुट के लिए जो कि LED को कंट्रोल करेगा। तो हम लोग पहले ले लेते हैं इनपुट के लिए, इनपुट के लिए हम लोग इस वेरिएबल का नाम देते हैं बटन 2। बटन 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग ऑडिनो का पिन नंबर 2 में के साथ सेट करने वाले हैं। और इक्वल टू 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बटन 2 जो है मतलब बटन 2 ये वेरिएबल का नाम है और यहाँ पर जो नंबर 2 दिए ये 2 बता रहा है कि हम लोगों ने ऑडिनो का पिन नंबर 2 को बटन 2 के साथ कनेक्ट किए हैं। इसी तरह से हम लोग इंट एक और वेरिएबल लेंगे जो कि रहेगा LED और LED में लिखेंगे हम लोग पिन नंबर 13। ठीक है, तो इस तरह से 2 अलग अलग बन गया है। अब हम लोग को एक और वेरिएबल लेना होगा, और ये एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल होगा, मतलब ये किसी पिन रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये बस ये देखने के लिए है कि जो बटन का रीड है वो क्या है, मतलब बटन प्रेस है या बटन को हम लोग रिलीज किए हुए हैं। मतलब जब बटन प्रेस होगा तो जो हम लोग LED होगा वो हाई हो जाएगा और जब बटन को हम लोग रिलीज करेंगे तो LED लो हो जाएगा। तो
ये जो वेरिएबल है ये चेक करते रहेगा कि बटन हाई है या लो है, प्रेस है या रिलीज है। तो इसके लिए हम लोग को ये वेरिएबल को लेना पड़ रहा है। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद हम लोग को अभी पिन मोड सेट करना होगा, जो कि ये बताता है कि कौन सा पिन इनपुट के लिए यूज हो रहा है और कौन सा पिन आउटपुट के लिए यूज हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो LED 13 जो कि पिन नंबर 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूज हो रहा है आउटपुट के लिए। और इसी तरह से पिन मोड में हम लोग BTN2 वेरिएबल को सेट करेंगे इनपुट के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बटन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, वो इनपुट के लिए काम करता है, क्योंकि बटन में प्रेस करेंगे तो हम लोग को LED लाइट को ऑन करना है। अब हम लोग को डिजिटल राइट करना है, और हम लोग जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का जो LED लाइट है वो भी ऑफ रहना चाहिए और जो बटन का स्टेटस है वो भी ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिजिटल राइट में सेट करेंगे दोनों को, मतलब LED 13 को भी लो और इसी तरह से BTN2 को भी लो। ये हो गया हम लोग का सेटअप फंक्शन का प्रोग्राम। इसके बाद हम लोग लूप फंक्शन का प्रोग्राम को करेंगे। लूप फंक्शन का सबसे पहला वर्क होगा कि बटन 2 का स्टेटस को जानना, जो कि BTN2 स्टेट नाम का वेरिएबल में उसका स्टेटस आ जाएगा। कैसे आएगा? डिजिटली रीड करने के बाद, जैसे डिजिटल राइट से राइट होता है उसी तरह से रीड फंक्शन भी है, जो कि ये देखता है कि उसका स्टेटस क्या है। किसका स्टेटस हम लोग देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं बटन 2 का स्टेटस, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन में चेक करेगा कि बटन का स्टेट क्या है, अगर बटन का स्टेट हाई हुआ तो हम लोग को LED लाइट को ऑन कर देना है। तो BTN2 equal to हाई, ये कंडीशन हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग यहाँ पर डिजिटल राइट करेंगे LED 13 को, हाई हो गया। तो हम लोग इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एल्स में हम लोग को कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। जस्ट यहाँ पर हाई की जगह हम लोग को लो दिख देना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिजिटल का स्पेलिंग रॉन्ग हुआ, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। कैसे पता चला? या तो आप स्पेलिंग देख के पता कर सकते हैं, या फिर आप कलर देख के पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट है, तो यहाँ पर से कलर जो है ऑरेंज है और यहाँ पर रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। जितना भी फंक्शन है वो ऑरेंज में ही दिखाता है, तो आपको कलर से भी पता चल जाएगा कि आप कुछ गलती किए हैं। दरअसल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कलर कोड का मीनिंग ही यही होता है कि आप उसके कलर कोड को देखकर ये पता कर सके कि कहीं कुछ सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो प्रोग्रामिंग करने के बाद हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है, इस एरर को देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरर ये है कि हम लोगों ने LED में दो बार D लगा दिया है और वेरिएबल का नाम में हम लोग का सिंगल D था, ठीक है। तो इस तरह का एरर होते रहता है प्रोग्रामिंग आप जब करते हैं। और यहाँ पर मैसेज आ गया डन कंपाइलिंग, इसका मतलब हम लोग के प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। तो अब हम लोग प्रोग्राम में को अपने आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करेंगे, अपलोड बटन में प्रेस करके। प्रोग्राम को अपलोड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई जमशेदपुर के रहने वाले हैं और कंप्यूटर या रोबोटिक्स से क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, या कॉन्टैक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जमशेदपुर में हमारा दो ब्रांच है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट ब्रांच है परसोडी और सेकेंड ब्रांच है आमबागान सांची। और जैसे कि आप जानते हैं कि अपलोड होते टाइम आपका TX और RX का जो लाइट है वो फ्लैश होगा, आप वीडियो में देख सकते हैं ये फ्लैश हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि स्विच प्रेस करने से क्या होता है। तो मैं यहाँ स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्विच प्रेस किया तो हमारा LED लाइट ऑन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये स्विच है ये इनपुट हुआ और जो मेरा LED लाइट है वो आउटपुट हुआ। जैसे मैं स्विच को छोड़ूंगा तो ये मेरा LED लाइट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने LED लाइट को स्विच के साथ कनेक्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एक्सपेरिमेंट आप लोग को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।
जय हिंद।